जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों को। दोस्तों अंशी स्टडी आई क्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 4 तारीख और सुबह के दोस्तों 7:45 बजे हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा आधा घंटा लेट इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि सुबह के टाइम अभी जो है ये लोगों का काम वाम सब बंद पड़ा है, इसलिए थोड़ा लेट वीडियो लाने में ही मेरे को लगता है कुछ फ़ायदा है, तो इसलिए लेट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ थोड़ी सी आज। तो 4 अप्रैल के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आप डेली इस वीडियो को देखे कीजिए, आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन क्वेश्चन को डेली। और दोस्तों अभी मैं ये डेली वाइज लेके आ रहा हूँ, फिर मैं इनको मर्ज करके एक साथ फिर आपके एक वीक की बनाऊंगा और उसके बाद फिर आपके एक मंथ की बनाऊंगा, यानी कि करंट अफेयर का आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों इससे पहले मैंने सुबह 7 बजे सिनोनिम्स की सीरीज की वीडियो डाल दी है, आप उसे भी जाकर देखिएगा। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, थैंक यू दोस्तों। चलो आगे चलते, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है हमारा। दोस्तों जो एशियाई यूथ गेम्स की मेजबान, जो एशियाई यूथ गेम्स होने हैं हमारे, एशियाई युवा जो गेम्स होने हैं उनकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, दोस्तों वो करेगा आपका चीन। तो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यूएन के COP19 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के कितने समय तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जो यूएन का जो संयुक्त राष्ट्र का जो COP19 जलवायु परिवर्तन है वो कब होएगा दोस्तों, 2021 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, COVID-19 जैसी महामारी के कारण केंद्र सरकार ने जो मनरेगा मजदूरों के औसतन वृद्धि कितनी कर दी दोस्तों, सभी के हमें कितनी वृद्धि कर दी, 20 रुपये, सिर्फ दोस्तों मात्र 20 रुपये की उन्होंने वृद्धि किया दोस्तों केंद्र सरकार ने, क्योंकि दोस्तों राज्य सरकार अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना कर रही है और केंद्र सरकार अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना कर रही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, सरकार ने COVID-19 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की है, COVID-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों वो है आरोग्य। तो इस मोबाइल ऐप पे द्वारा जो लोग छुपे हुए हैं COVID-19 के वायरस से, जो आपके कोरोना वायरस से लोग ग्रस्त हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु नाम से एक ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं के जनधन खाते में कितनी राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों ये महिलाओं का जनधन खाता है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा 500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों जो न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल जी हैं वो जम्मू कश्मीर के न्याय, जो आपकी हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ की जो राजधानी है वो दो है, यानी कि जो दो राजधानी कैसे हैं दोस्तों, वो अगर शीत ऋतु है यानी कि सर्दी का मौसम है दोस्तों उस टाइम इसकी राजधानी कहलाती है जम्मू। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर ग्रीष्म ऋतु है यानी कि गर्मी का मौसम है उस टाइम यहाँ की जम्मू कश्मीर की राजधानी कहलाती है श्रीनगर। दोस्तों हमें आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर, लेकिन दोस्तों इसकी दो राजधानी है, अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार इसकी राजधानी चेंज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नए HR निदेशक कौन है दोस्तों, वो हैं विलीप कुमार पटेल जी, इसके नए निदेशक बने हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अगर इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे PDF जो मेरा PDF ग्रुप है टेलीग्राम का उस पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। COVID-19 के मरीजों को किस राज्य ने हमारी जो इंडियन नेवी द्वारा विकसित मल्टीफिट ऑक्सीजन मैनफोल्ड यानी कि MOM, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है दोस्तों MOM, खरीदने का निश्चय किया था। दोस्तों आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसे खरीदने का निश्चय किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्ध नागरिकों को होम पेंशन देना शुरू करा है। दोस्तों ये भी आंध्र प्रदेश, जो वृद्ध नागरिक हैं यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनको वृद्ध पेंशन देने का, जो अभी ये सिर्फ दोस्तों 3 महीने के लिए, किसने शुरू करा है, आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने ऐलान किया है यानी कि एक ऐलान अनाउंसमेंट किया कि वह प्रत्येक जानवर के लिए रोजाना 25 रुपये देगी, यानी कि जानवरों के लिए भी वो गवर्नमेंट अलग से बजट निकाला, उनको 25 रुपये डेली देगी। दोस्तों एक पैसा पर्टिकुलर इस तरीके से जाएगा कि गौशालाओं की संख्या निकाली जाएगी, गौशालाओं में कितने पशु हैं उस हिसाब से ये दिया जाएगा दान। दोस्तों कौन सी गवर्नमेंट ने किया है दोस्तों, गुजरात गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके आज के मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।